हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णो टेक्स यूट्यूब चैनल को और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली जहां पर रेडमी की तरफ से उनका जो नया स्मार्टफोन है रेडमी नोट 7 वो लॉन्च कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, चाइना में इसका जो फोन है वो लॉन्च कर दिया गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, क्या प्राइस रखी गई है, कितना जहाँ पर आपको मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको एक घंटी का आइकन भी दिखेगा, उसको भी दबा लीजिएगा। जब भी मैं जहाँ पर नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, फाइनली जहाँ पर रेडमी की तरफ से अपना जो नया स्मार्टफोन है रेडमी नोट 7 वो लॉन्च कर दिया गया है चाइना में। दोस्तों मैं आपको जहाँ पर बता दूँ, जहाँ पर जो रेडमी का जो नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है वो काफ़ी जहाँ पर ज़बरदस्त रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जहाँ पर पहले के मुकाबले देखते हैं तो ये जो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है रेडमी नोट 7 काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे आपको जहाँ पर फीचर जहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए मैं दोस्तों जहाँ पर आपको स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जो आपको जहाँ पर रेडमी नोट 7 में जो आपको स्क्रीन दी गई है वो दी गई है 6.3 इंच की HD फुल HD प्लस आपको जहाँ पर डिस्प्ले दी गई है। उसके साथ दोस्तों आपको जहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है वो 19.9 का जहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। साथ में आपको जहाँ पर स्क्रीन के साथ आपको जहाँ पर दी गई है 450 हिट्स की जहाँ पर आपको ब्राइटनेस दी गई है, जो कि आपकी क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाली है। और साथ में दोस्तों मैं आपको जहाँ पर बता दूं, आपको जहाँ पर दिया गया है 2.5D कर्व ग्लास है दोस्तों। साथ में आपको जहां पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है कि आपको जहां पर स्क्रीन में इतनी ज्यादा जहां पर आपको प्रोटेक्शन दी गई है। साथ में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। प्रोसेसर की बात करते हो तो दोस्तों आपको जहां पर जो प्रोसेसर दिया गया है रेडमी नोट 7 में वो दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का जहां पर आपको प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन को जहां पर 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला निकल गया था 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, दूसरा निकल गया था 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और जो तीसरा वेरिएंट निकल के आता है वो है 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ निकल के आता है, जिसे आप जहां पर मेमोरी कार्ड की जहां पर हेल्प से जहां पर बढ़ा सकते हैं 256 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों अगर मैं जहां पर रेडमी नोट 7 जहां पर उसकी जहां पर कैमरे की बात करता तो आपको जहां पर जो ड्यूल कैमरा दिया गया वो दिया गया आपको जहां पर 48 MP का। आपको जहां पर प्राइमरी कैमरा दिया गया, सेकेंडरी कैमरे की बात करता तो आपको जहां पर दिया गया है 5 MP का जहाँ पर आपको सेकेंडरी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों साथ में आपको जहाँ पर सोनी का सेंसर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि आपको जहाँ पर 48 MP का जहाँ पर रियर कैमरा दिया गया है, जो कि आपको पहले अभी तक रेडमी के स्मार्टफोन में कोई भी स्मार्टफोन में नहीं मिला है। तो आपको जहाँ पर दिया जा रहा है रेडमी नोट 7 में 48 MP का रियर कैमरा। भी अगर मैं दोस्तों जहाँ पर सेल्फी कैमरा यानी कि फ्रंट कैमरे की बात करता तो आपको जहाँ पर दिया गया है 13 MP का आपको जहाँ पर फ्रंट कैमरा मिल जाता है। साथ में आपको जहाँ पर AI टेक्नोलॉजी, साथ में सब कुछ आपको फीचर मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड सब कुछ आपको जहां पर मिल जाएगा। भाई अगर मैं दोस्तों जहां पर बैटरी की बात करता हूं तो बैटरी की जो आपको जहां पर कैपेसिटी दी गई है वो दी गई है 4000 mAh की। आपको जहाँ पर बैटरी कैपेसिटी दी गई है, जो कि आपकी जहाँ पर क्वालिटी को भी तो इम्प्रूव करेगी, साथ में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपकी जहाँ पर इम्प्रूव होने वाली है रेडमी नोट 7 जहाँ पर स्मार्टफोन में। भैया अगर मैं दोस्तों जहाँ पर एक और फीचर की बात करता हूँ तो आपको इस बार दी गई है रेडमी नोट 7 में जहाँ पर USB टाइप सी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको जहाँ पर USB टाइप सी दी गई है, जो कि आपको जहाँ पर फास्ट चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करने वाली है। तो दोस्तों फाइनली जहाँ पर रेडमी की तरफ से उनका नया स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया गया है रेडमी नोट 7 के नाम से। दोस्तों अगर मैं जहाँ पर इनकी प्राइस की बात करता तो सबसे पहले मैं जहाँ पर पहले वाले वेरिएंट की बात करता हूँ, जो आता है 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगर मैं जहाँ पर इंडिया के हिसाब से जहाँ पर बात करता तो उसकी जो प्राइस निकल के आती है वो निकल के आती है 10,300 रुपीज़ तक जहाँ पर इसकी प्राइस निकल के आती है। दोस्तों इसकी रेंज के हिसाब के जहाँ पर आसपास हो सकती है। भाई अगर मैं जहाँ पर दूसरे वेरिएंट यानी कि 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले की बात करता तो वो निकल के आता है 12,400 रुपये तक इसकी जो प्राइस निकल के आती है इंडिया के हिसाब से। भी अगर मैं जहाँ पर तीसरे वेरिएंट यानी कि 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज की बात करता तो उसकी जो प्राइस निकल के आती है वो निकल के आती है लगभग 15,000 रुपीज़ तक। जी हाँ दोस्तों, ये जहाँ पर 3 वेरिएंट चाइना में लॉन्च कर दी गई है रेडमी की तरफ से, जिसमें आपको जहाँ पर 48 MP का रियर कैमरा दिया गया, साथ में आपको वहाँ पर 5 MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया। तो भाई अगर मैं दोस्तों जहाँ पर बात करता हूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, दोस्तों मैं आपको जहाँ पर बता दूँ इसकी जो प्राइस है उसको अभी अनाउंस नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों,
अभी इसको अनाउंस नहीं किया गया। अगर मैं यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ रेडमी नोट 7 प्रो की, तो इसमें आपको लगभग यही जहाँ पर सेम ही स्पेसिफिकेशन आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सब जहाँ पर स्पेसिफिकेशन निकल के आती है, जो कि आज जहाँ पर शोमी का नया स्मार्टफोन चेन्नई में लॉन्च कर दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यही स्मार्टफोन जहाँ पर जल्दी से जल्द इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन जो स्मार्टफोन रहने वाला, क्योंकि आपको जहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी फाड़ू मिलने वाली है, साथ में आपको जहाँ पर कब सब कुछ जहाँ पर देखा जाए तो सब कुछ आपको जहाँ पर बेहतरीन दिया जा रहा है Redmi Note 7 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।